हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि सोमयापैथी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलीसाइथीमिया के बारे में। पॉलीसाइथीमिया इज़ द अपोजिट ऑफ अनीमिया, यानी इसके अंदर आपके आरबीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेल्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर अप टू 17 हो सकता है, फीमेल्स के अंदर अप टू 16 होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन के लेवल्स कॉन्स्टेंटली बने रहते हैं ज़्यादा, 17 से ऊपर, 18, 19 या 19 से भी ऊपर जाते हैं, उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। अनीमिया का अपोजिट ज़रूर होता ही है, लेकिन अनीमिया से ज़्यादा खतरनाक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि कई बार पॉलीसाइथीमिया यानी हीमोग्लोबिन का बढ़ा हुआ होना, आरबीसी का बढ़ा हुआ होना कैंसरस भी हो सकता है। हम आगे डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ नेचुरल जो रीजंस होते हैं हीमोग्लोबिन बढ़े हुए होने के, उसके कारण के बारे में जानते हैं। नेचुरली जो हीमोग्लोबिन होता है उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं। वहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, उनको सांस लेने में जो कंपनसेशन होती है वो ऑक्सीजन के कारण होती है। तो उनके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ाने के लिए उनके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। दूसरे जो लोग होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है, उनको जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एथलेटिक एक्टिविटीज़ उसको करने के लिए डिमांड ज़्यादा होती है, तो हर टाइम वो फिजिकली एक्टिव होते हैं तो उनके अंदर भी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो कुछ और रीज़न होते हैं जो आर्टिफिशली लोग बना लेते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के, आरबीसी बढ़ाने के, वो हैं स्मोकिंग करना। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की, तो इसीलिए वो आरबीसी बढ़ते हैं सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएँ। लंग या हार्ट डिजीज़ में भी ऐसा होता है। ऐसे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उनके अंदर भी आरबीसीज बढ़ जाते हैं। या जिनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम रहता है, जिनको रात में सोते हुए एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए नींद टूटती है, उनके अंदर भी ये कंडीशन पॉलीसाइथीमिया की देखी जाती है। तो पॉलीसाइथीमिया अगर हम हाई एल्टीट्यूड के लोगों की बात करें या जो एथलेटिक्स है उनके अंदर अगर हम बात करें तो वो नॉर्मल माना जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन अगर आप एक ओबीज हैं, आपको कोई हार्ट का इश्यू है, या अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते जिसमें ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर भी आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी समय से बढ़ा हुआ है, तो आप सतर्क हो जाएं। अब हम बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की जो पॉलीसाइथीमिया में देखे जाते हैं। पॉलीसाइथीमिया के सिम्टम्स कुछ ऐसे नहीं होते हैं कि पेशेंट को महसूस हुआ कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत वो समझ जाएगा कि पॉलीसाइथीमिया है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही वेग होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं जो नॉर्मली किसी भी बीमारी के साथ आ सकते हैं, जैसे सिर दर्द होना या लगातार थकावट महसूस करना या ब्लीडिंग कई बार हो जाती है, इसमें नाक से ब्लीडिंग आ सकती है, कान से ब्लीडिंग आ सकती है ये केसेस में, या इसके अलावा ब्लर्ड विजन होता है, दिखने में उसको थोड़ा ब्लर्ड सा लगता है या उतना साफ नहीं दिखता है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, कई बार लगता है कि उसको सांस खींच खींच के लेना पड़ता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन उतनी प्रॉपर नहीं मिल पा रही होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और साथ के साथ पूरे शरीर में इचिंग होने लगती है और ये इचिंग नहाने के बाद बढ़ जाती है। ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट के अंदर। अभी ज़रूरी नहीं है कि सभी पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट होता है वो बहुत लिथार्जिक, बहुत ही फटीग महसूस करता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता है, जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है उसको पसीना आने लग जाता है और बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने लग जाती है, कई बार हेडेक या ब्लर्ड विजन की शिकायत होती है। तो सम अप करें तो ये सारे सिम्टम्स हमें पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ जो टाइप्स होते हैं पॉलीसाइथीमिया के। तो पॉलीसाइथीमिया एक तरह से ऑब्सोल्यूट भी होती है और दूसरा होता है कि वो रिलेटिव हो सकती है। तो पॉलीसाइथीमिया के लिए सबसे पहले हम अपने जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वहाँ पे आप देखते होंगे कि पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी पीसीवी दिखा रहता है। अब ये पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक छोटी सी पाइप है, इसके अंदर हमने ब्लड डाला, उसके बाद उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जितना ब्लड जो है नीचे जम जाता है, जितने आरबीसीज नीचे जम जाते हैं
वो और जितना ऊपर खाली जो हमारा ब्लड का जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है वो बच जाता है, तो वो हम देखते हैं कि उनका कंपैरिजन कितना होता है। जो पैक्ड जितने सेल्स होते हैं उनका वॉल्यूम इन कंपेयर टू द होल ब्लड वो कैसा होता है। तो इस केस में पॉलीसाइथीमिया में जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम बात करें ऑब्सोल्यूट की, तो अगर नॉर्मली एक पेशेंट है उसके अंदर ये पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कि ऑब्सोल्यूट है। लेकिन रिलेटिव कब हो जाता है? रिलेटिव का मतलब हुआ कि पेशेंट के अंदर जो ब्लड है वही ऑलरेडी बहुत गाढ़ा हुआ है क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हुई है, तो उस केस में वो ऑब्सोल्यूट नहीं होगा, उस समय वो रिलेटिव होगा। मतलब ऑलरेडी जो पेशेंट का ब्लड है वो जो है जो डिहाइड्रेटेड है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, तो उसके हिसाब से उसका जो पीसीवी है वो ज़्यादा आएगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको लंबे समय से हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है। देखिए, जो पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है एक कैंसरस कंडीशन होती है जो पॉलीसाइथीमिया के कुछ पेशेंट्स के अंदर देखी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट के अंदर ये फॉर्म पाया जाए, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें और इसकी जाँच कराएँ। और आपको अपने लेवल पे क्या करना है कि जब हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, थिकनेस बढ़ जाती है, इसके कारण जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो सारे आते हैं। तो इसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी रखनी है, फिजिकली एक्टिव रहना है, उससे आपकी ओबेसिटी भी कम होगी क्योंकि ओबेसिटी इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर पॉलीसाइथीमिया, वो ध्यान रखना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग नहीं करनी है क्योंकि स्मोकिंग करने से भी आपका ब्लड गाढ़ा होता है, तो इसको भी अवॉइड करना है। जिन लोगों को पॉलीसाइथीमिया है उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गार्लिक यानी लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। लहसुन आपके ब्लड को थिनिंग करने में हेल्प करता है। एलियम सटाइवा नाम की जो दवा है हमारी जो गार्लिक से बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी ओबेसिटी को कम करने के लिए भी और ब्लड को पतला करने के लिए भी। इसके अलावा आपको लेना है ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग दिस पॉलीसाइथीमिया लेवल्स। उसके अलावा आपको अगर पॉलीसाइथीमिया है यानी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ रहता है तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को अवॉइड करें। बहुत ही ठंडी जगह पे जाना, बहुत ही गर्म जगह पे जाना से अपने आप जो अपने आप को बचाएं, ये आपको एक इमरजेंसी कंडीशंस दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो देखिए इसके जो ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरी है कि इसको किसी डॉक्टर के साथ मिलकर के अपने केस देकर के इलाज कराएं, क्योंकि अगर ये पॉलीसाइथीमिया वेरा है तो एक खतरनाक कंडीशन हो सकती है और आपको खुद से नहीं पता चलेगा कि आपको पॉलीसाइथीमिया है या पॉलीसाइथीमिया वेरा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं दे आर क्वाइट इफेक्टिव, लेकिन अगेन सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी पोटेंसीज मेंशन नहीं करूँगी। आई जस्ट नेम फ्यू ऑफ द मेडिसिन दैट आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली गिवन इन सच केसेस। द फर्स्ट मेडिसिन दैट इज गिवन इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दिया जाता है जहाँ पर भी कई बार डीजनरेशन की शिकायत होती है। अगर पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट को अंदर के अंदर कई बार ब्लीडिंग आने लग रही है, नोज से ब्लीडिंग आ रही है, कान से ब्लीडिंग आ रही है, तो ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग आ रही है और छोटी छोटी चोट लग जाती है, अगर हल्की सी भी चोट लग जाती है तो ऐसे पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा अगर आ रही है देन फॉस्फोरस इज़ वन ऑफ द गुड मेडिसिन दैट कैन बी गिवन। अगेन नेक्स्ट मेडिसिन इज एक्सरे। एक्सरे एक बहुत अच्छी दवा है, थोड़े टाइम पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। तो एक्सरे दिया जाता है जब कोई भी कैंसरस चीज़ आपके लाइफ में आने वाली हो, कोई भी एक्सपोजर टू कैंसर बहुत एक्सपोजर टू एक्सरेज बहुत बार हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कोई भी बीमारी जो खतरनाक मोड़ ले सकती है उस केस में एक्सरे दिया जाता है। जब बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा देन एक्सरे इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन दैट कैन बी गिवन इन सच केसेस। नेक्स्ट एक दवा है फेरम मेटेलिकम एंड ऑरम मेटेलिकम। दीज आर ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन। जो फेरम मेटेलिकम है वो हमारे ब्लड के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए दी जाती है, ज़्यादातर एनीमिया के केसेस में दी जाती है, लेकिन पॉलीसाइथीमिया के केसेस में भी ये दी जाती है। इसके साथ जो सिम्टम्स होते हैं वो मैच करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ऑरम मेटेलिकम में अगेन डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, डिस्ट्रक्शन के केस में ऑरम मेटेलिकम का बहुत अच्छा यूज़ रहता है, तो पॉलीसाइथीमिया के केस में भी दिया जा सकता है। दो दवाइयाँ जो आप ले सकते हैं अगर आपको पॉलीसाइथीमिया है वो है आर्निका मोंटाना, इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में, और सियोनैंथस अमेरिकाना, इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में। ये जो दोनों दवाइयाँ हैं ये बहुत अच्छा काम करती है। जो आर्निका मोंटाना है इसका मेन काम ब्लड थिनिंग का रहता है, तो आपके खून को जमने नहीं देती जिससे कोई जो खतरा हो सकता है आपको नहीं होता है। जो सियोनेंथस अमेरिकाना है इसका मेन असर आपके स्प्लीन पर होता है क्योंकि पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट के अंदर स्प्लीन स्प्लीनोमेगाली हुई रहती है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है क्योंकि आरबीसीस का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में ही होता है। तो ये दोनों दवाइयाँ हैं जो मदर टिंचर फॉर्म में ये आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन दोनों दवाइयों को लेकर आपका पॉलीसाइथीमिया नहीं ठीक होगा। इसके लिए आपको डाइल्यूशन की कोई दवा जो आपके सिम्टम को सूट करती है, जो आपके सिम्टम के साथ मैच करती है,
वो लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है किसी डॉक्टर के साथ मिलकर के अपने सिम्टम्स को देख करके ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि पॉलीसाइथीमिया बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं देती है, इसमें समय लगता है। इसलिए इलाज में सतर्कता बरतें और अपनी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करें। तो पोटेंसिस नहीं बताने का सिर्फ मेरा यही मकसद था कि आप दवाइयों की जानकारी तो आपको हो जाए कि इस तरह की दवाइयाँ होम्योपैथी में एग्जिस्ट करती हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली है। अनलेस एंड अंटिल ये पॉलीसाइथीमिया वेरा है, उसके केस में जो ट्रीटमेंट है वो बहुत वेरी करता है, जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है। तो ये थी सारी जानकारी पॉलीसाइथीमिया वेरा के बारे में। कॉन्स्टेंटली अगर आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ रहता है तो आप वेट एंड वॉच करें, ब्लड डोनेशन आप करते रह सकते हैं, ये आपके लिए भी अच्छा है। और साथ के साथ हर दूसरे तीसरे महीने अपना ब्लड टेस्ट कराते रहें, अपना हीमोग्लोबिन की जाँच ज़रूर कराते रहें। अगर आप किसी भी बीमारी से संबंधित मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, या अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट खुद से बुक कर सकते हैं। ये जूम या फ़ोन कंसल्टेशन दोनों पे हो सकता है। अगर अभी तक आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर हेल्थ रिलेटेड रील्स देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।